हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, कोस्ट गार्ड 1/2023 बैच के लिए प्रैक्टिस सेट अप्रोच तांडव चल रहा है, आपको पता है। और आज तांडव आपने देखा, जैसा कि मैंने आप लोग को कंप्लीट फिजिक्स सेक्शन 2 का जो था वो कंप्लीट फिजिक्स मैंने आपको फॉर्मूला रिविज़न करा दिया। उससे बाहर उस सीरीज़ से आपको 15+ की गारंटी है। तो एक वीडियो से आपको 15+ की गारंटी है, वो 1 घंटा 26 मिनट के आसपास वो वीडियो है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, सिर्फ 1-1.5 घंटे में आपको 15+ की गारंटी हो जाएगी, ये मेरा वादा है। प्रैक्टिस सेट अप्रोच तांडव साइंस प्लस जीके का करने वाले हैं। कल क्लास नहीं हुआ था, आपको पता होगा। और 12वां नंबर यहाँ पर क्लास डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर तो बहुत कुछ ज़्यादा है। 32वां नंबर प्रैक्टिस सेट साइंस का डिस्कस करेंगे और 22 या 23वां नंबर जिसके में जीके वाला। इससे बाहर कुछ भी नहीं, मतलब कि कुछ भी नहीं होने वाला है। ओके, तो साइंस और जीके का दोनों का मिक्स प्रैक्टिस है। पहले जीके डिस्कस करेंगे, उसके बाद साइंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है, तो फटाफट क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है, एंड टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जुड़ जाइएगा। इसका PDF आपको वहीं पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, सो वहाँ पर जरूर ऐड हो जाएगा। जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको वहीं पर मिलेगा, तो बिल्कुल भी ऐड होना मिस ना करिएगा। ओके, एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, करो कॉमेंट सेक्शन में आस्क कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट हो चुका है आपका क्लास, और शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पहले साइंस, सॉरी जीके का क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पे देख सकते हो 24वां क्लास होने वाला है जीके का, तो अभी तक आपने उतना नहीं देखा है तो जरूर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और मस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है आपको बताना है। और पता है आपको, जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ उससे रिलेटेड जो भी आता है उसको पूरा रगड़ के रख देते हैं। तो टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है वो आपको बताना है। हाँ, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ओके, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो चलिए ऑप्शन ए में दे रखा है चीन, बी फ्रांस, सी इंडोनेशिया, एंड डी में दे रखा है स्पेन। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, चीन, फ्रांस, इंडोनेशिया एंड स्पेन। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो चलिए जल्दी से जल्दी बताइए भाई साहब कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो मैं आपको बता दूँ, ये चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। ओके, उसके बाद अगर बात कर ले कि यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन दे रखा है आपका फ्रांस, तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो आपका फ्रांस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो फुटबॉल है, आप नोट करते चलिएगा भाई साहब। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो इंडोनेशिया का आपका राष्ट्रीय खेल कौन सा है भाई साहब, तो वो है बैडमिंटन, नोट कर लीजिए बैडमिंटन है। और आपका स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो स्पेन का आपका राष्ट्रीय खेल है सांड युद्ध। सांड आपको पता होगा, सांड आपने देखा होगा, सांड युद्ध ये आपका राष्ट्रीय खेल है। तो चलिए और भी जैसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपको लिखवा देता हूँ। तो चलिए मैं आपको लिखवा दूँ, तो आपका USA का लिख लीजिए, USA का आपको बेसबॉल है, USA का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, स्पेन लिखवा दिया। कनाडा लिख लीजिए, कनाडा का आइस हॉकी लिख लीजिए। उसके बाद बात कर ले आपका भारत, आपको पता होगा भारत का हॉकी है, क्रिकेट नहीं है भाई साहब, हॉकी है। ओके, चलिए मैं आपको बता दूं, और रूस का आपका है, एक तो है शतरंज है, और एक है फुटबॉल, दोनों ही आपका राष्ट्रीय खेल रखा गया है। उसके बाद बात कर ले आपका भूटान का आपका है तीरंदाजी है आपका, किस चीज़ का, भूटान का। ओके, आपको बता दिया। उसके बाद नेपाल की बात कर ले, नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो नेपाल का आपका राष्ट्रीय खेल है दंडी बीओ आपका राष्ट्रीय खेल है। चले इंग्लैंड का आपको पता होना चाहिए, इंग्लैंड का आज तो मैच भी था, इंग्लैंड और पाकिस्तान का फाइनल, तो इंग्लैंड का है क्रिकेट, कौन सा मैच था भाई साहब, क्रिकेट था, तो क्रिकेट ही समझ लीजिए, क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को ही कहा जाता है। जापान को आप कैसे याद करेंगे, जापान से जूरो याद कर लेना है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, जूरो है। और आपका ऑस्ट्रेलिया का भी राष्ट्रीय खेल है आपका क्रिकेट ही है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का क्रिकेट है, दोनों है। और बात कर ले आपका किस चीज़ का, पाकिस्तान का, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों का एक ही खेल है, और इंडिया का आपको याद है तो पाकिस्तान का भी याद होना चाहिए, हॉकी आपका राष्ट्रीय खेल है इंडिया और पाकिस्तान दोनों का ही। मलेशिया की बात कर ले, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है आपका बैडमिंटन, क्या है, बैडमिंटन ही आपका राष्ट्रीय खेल है। और एक और बैडमिंटन किसका बताया था मैंने भाई साहब, जल्दी से बता दीजिए, एक और बैडमिंटन किसका बताया था, सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है,
बैडमिंटन, एक बताया था इंडोनेशिया का, तो इंडोनेशिया का भी बैडमिंटन है और मलेशिया का भी बैडमिंटन है। बांग्लादेश को नोट कर लीजिए, बांग्लादेश का आपका है, बांग्लादेश का आपका किस चीज़ का है, बांग्लादेश का आपका है, बांग्लादेश है कबड्डी, राइट, कबड्डी कबड्डी है बांग्लादेश, कबड्डी है। और चलिए उसके बाद एक दो देश और बच रहा है, जैसे कि आपका श्रीलंका की बात कर ले, तो श्रीलंका में आपका है, श्रीलंका है आपका वॉलीबॉल, वॉलीबॉल वॉलीबॉल श्रीलंका। और एक और है ब्राज़ील, ब्राज़ील आप नोट कर लिए, ब्राज़ील आपका है फुटबॉल, ब्राज़ील है फुटबॉल। तो फुटबॉल कहाँ कहाँ पे, एक ब्राज़ील में है, एक फ्रांस में है, ओके, और साथ में रूस में भी चल जाता है, रूस में फुटबॉल और शतरंज दोनों है। तो चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर टू पे, और क्वेश्चन नंबर हमारा टू में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर टू में दे रखा है डायमंड खेल परिसर किस खेल से संबंधित है, डायमंड खेल परिसर किस खेल से संबंधित है वो आपको बताना है। मैंने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको इतने क्वेश्चन करा दिए, मतलब 5 क्वेश्चन पर डे कराता हूँ, क्योंकि उससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो करा दिया जाता है, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए। चले तो डायमंड खेल परिसर किससे संबंधित है, ऑप्शन ए में दे रखा है गोल्फ, बी में टेबल टेनिस, सी तैराकी, और डी दे रखा है बेसबॉल। चलिए तो डायमंड खेल परिसर किस खेल से संबंधित है आपको बताना है, गोल्फ होगा, टेबल टेनिस होगा, तैराकी होगा, या फिर बेसबॉल होगा, और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, तो डायमंड खेल परिसर है वो किस खेल से संबंधित है, तो है आपका बेसबॉल से, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर गोल्फ की बात कर ले, अगर गोल्फ की हम बात करें, तो गोल्फ किस से है, तो गोल्फ किस पे खेला जाता है, कोर्स, कोर्स से संबंधित है, किस से संबंधित है, कोर्स से। अगर टेबल टेनिस की बात कर ले, तो टेबल टेनिस किससे संबंधित है भाई साहब, तो वह है बोर्ड, बोर्ड पे आपको पता है बोर्ड पे खेला जाता है। अगर तैराकी की बात कर ले, तो तैराकी किससे संबंधित है आपको पता होना चाहिए, कि तैराकी आपका किससे संबंधित है, वो तो है पुल, ये तैराकी पुल से संबंधित। ये 4 हो गए, 2-4 और लिखवा देते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर है तो आप घबराए ना। जूडो कराटे आपको पता होना चाहिए मैट से संबंधित है, जूडो और कराटे, कराटे जो होते हैं जूडो कराटे, और आपका लिख ले एक और होता है ताइको वांडो, ताइको वांडो जो है वो भी आपका मैट से संबंधित है, मैट पे ही होता है। अगर बात कर ले घुड़सवारी की, घुड़सवारी की अगर बात कर ले, तो घुड़सवारी आपका होता है किस पे, तो घुड़सवारी होता है आपका एरिना, एरिना से संबंधित है घुड़सवारी, किससे संबंधित है, एरिना से घुड़सवारी संबंधित है। और आपका होगा उसके बाद है क्रिकेट, क्रिकेट और रग्बी, क्रिकेट और रग्बी दोनों एक ही से संबंधित है, क्रिकेट और रग्बी, क्रिकेट हो गया और रग्बी हो गया, ये दोनों संबंधित है किस खेल से, वो सॉरी किस चीज़ से संबंधित है, तो वो संबंधित है आपका पिच, पिच पे होता है क्रिकेट भी और रग्बी भी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर बात कर ले आइस हॉकी की, आइस हॉकी की, तो आइस हॉकी की अगर बात कर ले, तो आइस हॉकी आपका किस से संबंधित है, वो संबंधित है रिंक, रिंक आइस हॉकी, ओके, रिंक से संबंधित है। अगर हम बात कर ले टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, ये ऐसे ऐसे टीम जो प्लेयर इससे किससे संबंधित है, एक ही चीज़ होगा, टेनिस का लिख लीजिए टेनिस, उसके बाद है बैडमिंटन, बैडमिंटन, नेटबॉल, नेटबॉल, अब उसके बाद लिख लीजिए वॉलीबॉल, राइट, वॉलीबॉल, नेटबॉल, वॉलीबॉल, उसके बाद कबड्डी, हैंडबॉल, कबड्डी है, कबड्डी है, हैंडबॉल है, कबड्डी, हैंडबॉल है, और आपका और भी है, जैसे कि खो खो, खो खो, एक होता है स्क्वैश, स्क्वैश, और आपका हो गया टेनिस, हो गया बैडमिंटन, हो गया नेटबॉल, हो गया खो खो, हो गया स्क्वैश, हो गया कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, ओके। ये जितने भी गेम के नाम मैंने लिखे हैं ना, ये किससे संबंधित है, कोर्ट, क्या चीज़ से, कोर्ट से संबंधित है। और गोल्फ का था, गोल्फ का क्या था, गोल्फ था कोर्स था, तो इसमें आप कन्फ्यूजन ना आएगा, ओके। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, एंड देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, वेडन पावेल, बी में दिया हेनरी ड्यूनेट, ड्यूनेट, और सी में गैरी वाल्डी, और डी में दिया है बाबा आमटे। तो रेड क्रॉस की स्थापना किसने की, तो सबसे पहले देखते हैं राइट आंसर कौन देता है, कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की, ए बी सी एंड डी, वेडन पावेल, हेनरी ड्यूनेंट, गैरी वाल्डी, बाबा आमटे। चलिए राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है, कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो रेड क्रॉस की स्थापना की किसने की, तो हेनरी ड्यूनेंट ने, ओके, तो ये आपको याद करके रखना ही
रखना है। एंड चलेंगे आगे, जैसे कि आपका अगर बात कर ले गैरी वाल्डी की, तो गैरी वाल्डी जो थे वो किसने रेड गार्ड्स की स्थापना की, इन्होंने किस चीज़ की, रेड गार्ड्स की स्थापना किसने की, वो गैरी वाल्डी ने की। ओके, अगर बात कर ले, और जैसे कि यहाँ पे और भी दे रखा है, मैं बता दूँ आपको, अगर बाबा आमटे की बात कर ले, तो बाबा आमटे ने किस चीज़ की, तो आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे ने, आनंद वन नोट कर लीजिए, आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे के द्वारा किया गया। ओके। उसके बाद अगर बात कर ले और भी, जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास, मैं आपको चलिए लाइन से लिखवा देता हूँ, 4-5 क्वेश्चन। वेडेन पावेल जैसे कि यहाँ पे दिया है, तो स्काउटिंग की स्थापना किसने की, वेडेन पावेल ने, स्काउटिंग की स्थापना वेडेन पावेल ने। ओके, एंड चलेंगे, और जैसे कि आपको पता होना चाहिए, संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि को कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है एग्जाम में, तो नोट कर लीजिए। ओके, एंड चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की शांति निकेतन की स्थापना। उसके बाद बात करें अगर शांति निकेतन के बाद पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने, ये आपको नोट कर लेना है। और मैं बता रहा था जो वुड्रो विल्सन, वो थे लीग ऑफ नेशन के संस्थापक वुड्रो विल्सन। तो नोट कर लीजिए वुड्रो विल्सन जी को। अगर बात करें खालसा पथ के संस्थापक कौन थे भाई साहब, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। खालसा पथ का संस्थापक कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। अगर बात करें हम आरे विले आश्रम जो था पुदुचेरी की स्थापना किसने की, अरविंद घोष ने की। अगर बात कर लो और भी, समाजवाद के प्रवर्तक किसे कहें, तो वो है समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव। उसके बाद अगर बात कर ले आपका विश्व भारती की स्थापना, आपको तो मैंने एक चीज लिखवाया था, शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर, और एक विश्व आपका लिखवा दो, विश्व भारती की स्थापना किसने की, तो विश्व भारती की स्थापना भी रविन्द्रनाथ ठाकुर नोट कीजिए। एक तो शांति निकेतन और दूसरा विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे का मैंने एक और लिखवाया था, पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने की थी, राइट। और एक है कौन, भूदान आंदोलन, स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो आपका है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया, गोल्डन टेम्पल जिसे कहते हैं हम लोग, स्वर्ण मंदिर, गुरु अर्जुन देव, राइट। तो ये सब इम्पॉर्टेंट थे तो मैंने लिखवा दिए, गुरु अर्जुन देव, शायद ही ऐसा कोई आपको पढ़ाता हो, ओके, शायद ही कोई। न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम को नोट कर लीजिए। ओके, अगर बात कर निर्मल हृदय वर्ड आते ही आपको याद आना चाहिए किसका, मदर टेरेसा का। चलिए,
ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर पे। एंड क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में दे रखा है काला झंडा किसका प्रतीक है वो आपको बताना है। काला झंडा किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए में दे रखा है संकट का प्रतीक, बी में दे रखा है आपका किस चीज़ का, बी में देख रखा है, दे रखा है यहाँ पे, चलिए थोड़ा सा हाँ, संकट का प्रतीक, बी में शांति का प्रतीक, और सी में विरोध का प्रतीक, और डी में दे रखा है राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। चलिए राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन बताता है कि जो काला झंडा है वो किसका प्रतीक है वो आपको बताना है, संकट का, शांति का, विरोध का, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। चलिए बताइए सबसे पहले कौन बताता है। तो चलिए काला झंडा जो आपका प्रतीक होता है वो होता है विरोध का प्रतीक। अगर बात कर ले संकट की प्रतीक की, तो संकट आपको पता होना चाहिए कब आता है, जब आप देखिएगा लाल झंडा तो आप समझ लीजिएगा कि आपका किस चीज़ का प्रतीक है, लाल झंडा, लाल झंडा नहीं, सॉरी संकट का प्रतीक रहेगा कब, उल्टा झंडा। इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है और मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया, लाल झंडा किस चीज़ का, लाल झंडा जब आएगा, ये तो हो गया उल्टा झंडा, संकट का, विरोध का प्रतीक काला झंडा, शांति का प्रतीक कबूतर पक्षी, कबूतर पक्षी, और राष्ट्रीय शोक रहेगा तो सफ़ेद, सॉरी सफ़ेद बोल रहा हूँ मैं, राष्ट्रीय शोक जब रहेगा तो झुका हुआ रहेगा झंडा, झुका झंडा रहता है तो राष्ट्रीय शोक। ओके ये याद हो गया आपको। चलेंगे कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे कलम हो गया, कलम या कमल का फूल ये किस चीज़ का प्रतीक है, कमल का फूल ये है आपका संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, संस्कृति और सभ्यता लिख लीजिए आप लोग। रेड क्रॉस आपको पता होगा डॉक्टर वगैरह लगाते हैं, रेड क्रॉस आपको मिलता है डॉक्टरी हॉस्पिटल वगैरह में, डॉक्टर वगैरह की गाड़ी वगैरह पर देखिएगा हॉस्पिटल वगैरह में, तो ये आप लिख लीजिए डॉक्टर या हॉस्पिटल से संबंधित है ये। ओके तो चलिए उसके बाद लाल झंडा मैं जैसे कि बोल रहा था, तो ये लाल झंडा कब दिखाई देता है, क्रांति हो या फिर खतरे का सूचक होता है लाल झंडा। लाल झंडा दिखाई दे तो समझ लीजिएगा क्रांति या खतरे का सूचक होता है लाल झंडा। ओके उसके बाद बात कर ले आपका काला झंडा हो ही गया, मैंने बता ही दिया। ओके उसके बाद बात कर ले अगर सफ़ेद झंडा की, तो सफ़ेद झंडा कब दिखाई देगा, तो सफ़ेद झंडा आप लोग लिख लीजिएगा, सफ़ेद झंडा दिखाई देता है कब, जब आपका संधि या समर्पण का प्रतीक, संधि हो या समर्पण की बात आ रही है, संधि या समर्पण की, तो सफ़ेद झंडा आपको मिलेगा देखने को। उसके बाद अगर बात कर ले यहाँ पे, उसके बाद सफ़ेद झंडा हो गया, उसके बाद हरा प्रकाश आपको पता है यातायात को जाने का संकेत दिया जाता है, आपको देखिएगा ट्रैफिक वगैरह पे लाल प्रकाश खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक है, और आँखों पर बंदी पट्टी वगैरह रहेगी, और न्याय का प्रतीक कब दिखाई देता है, जब आप देखिएगा कोर्ट वगैरह में तो आँखों पर बंदी पट्टी रहती है, जो हाथ में तराजुली स्त्री रहती है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगर एक और इम्पॉर्टेंट है चक्र, चक्र कब, तो प्रगति का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक। चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे फोर पे, एंड क्वेश्चन नंबर फोर में हमारा क्या दे, सॉरी फाइव पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या दे रखा है, फाइव में दे रखा है K2 पर्वत शिखर किस देश में है, और आपको बताना है ऑप्शन ए में है भारत, बी नेपाल, सी चीन, और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं कौन देता है कि K2 जो शिखर पर्वत है वो किस देश में है, भारत में है, नेपाल में है, चीन में है, या फिर इनमें से कोई नहीं, और सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं कौन देता है। ओके चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बता दूं आपको, ये भारत में स्थित है, भारत में स्थित है, और इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए, तो ऊंचाई इसका देखा जाए K2 पर्वत की, तो ऊंचाई है आपका लगभग 8611 मीटर आपका इसका ऊंचाई है। अगर बात कर ले एवरेस्ट की, तो आपको पता है कि एवरेस्ट एक स्थान पर 8850 मीटर की ऊँचाई है, और ये आपका पड़ता है नेपाल में, क्या एवरेस्ट आपको नेपाल में 8850। बात करें अगर कंचनजंगा, बात करें कंचनजंगा भारत और नेपाल दोनों में है, कंचनजंगा भारत नेपाल दोनों में, बात कर ले इसकी जो आपको ऊंचाई है 8598 मीटर है, आपको नोट कर लेना है भारत और नेपाल, ये नेपाल है भाई साहब, भारत नेपाल दोनों में है। अगर बात कर ले और भी नेपाल में कौन कौन सी है, अगर बात करें तो ये जो इम्पोर्टेंट था यही पूछेगा, ज़्यादा आपसे पूछता नहीं। एक नंदा देवी पूछता है, नंदा देवी पर्वत शिखर ये भी आपका भारत में है, नंदा देवी ये भी आपका भारत में है, और इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो 7817 मीटर की ऊंचाई है इसकी। ओके ये आपको ध्यान में रखना है। एक पूछता है तीर चमीर जो है पाकिस्तान में है, तीर चमीर पाकिस्तान में है, सबसे कम इसका है लगभग 7728 लगभग है। ओके अन्नपूर्णा ये भी इम्पॉर्टेंट है,
नंगा पर्वत ये भी पूछता है, धौलगिरी का पर्वत ये भी पूछता है लुहाल से, ये जो इम्पोर्टेंट है। चलिए नेपाल वाला लिखवा दूँ, तो नेपाल में आपका लहात्से, लहात्से वन, नेपाल में एक और है मकालू, मकालू वन, और नेपाल में एक और है धौलगिरी, धौलगिरी, ये आपका हो गया नेपाल। एक और है अन्नपूर्णा नेपाल में, अन्नपूर्णा। चलिए अन्नपूर्णा की अगर ऊंचाई की बात कर ले तो 8078 होगा। लहात्से वन की बात कर ले नेपाल में है जो कि 8501 होगा। अगर मकालू एक की बात करें, नेपाल चीन दोनों में है भाई साहब, मकालू आपका ये नेपाल में भी है और चीन में भी है, मकालू नेपाल और चीन दोनों में है, जो कि आपका मतलब कि आपका पड़ा है नेपाल चीन दोनों में पड़ता है। 8400 आपका कितना है 81 है, ओके ये लगभग। और अगर बात कर ले धौलगिरी की, तो धौलगिरी आपका है, धौलगिरी है आपका कितना, धौलगिरी है आपका लगभग 8100 कुछ समथिंग, 8172 है, हाँ राइट 8172 है, ओके। तो ये है नेपाल की बातें। अगर बात कर ले आपकी, एक और है नंगा पर्वत जो कि भारत में पड़ता है, नंगा पर्वत, ओके। तो नंगा पर्वत जो पड़ता है ये भारत में पड़ता है, तो ये लगभग है कितना, नंगा पर्वत जो है ये भारत में जो कि पड़ता है 8126 मीटर है। चलिए जो इससे इम्पोर्टेंट था वो मैंने डिस्कस कर लिया, एंड चलेंगे अभी जीके वाला। आपको 5 क्वेश्चन मैंने कराए, 5 में से 4 है तो ठीक ठाक है, 5 है तो टॉप क्लास की तैयारी है। और जो एक्स्ट्रा बताया ज़रूर नोट कर लीजिएगा, जितना भी बताते चलो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे बाहर कुछ भी जाना नहीं है। और किसी के PDF वगैरह खरीदने की अब ज़रूरत नहीं है, फ्री में जब मिल रहा है तो क्यों खरीदेंगे भाई साहब। चलिए चलेंगे साइंस वाले क्वेश्चन पेपर पे, और साइंस का ये प्रैक्टिस है 32वां चलने वाला है, आग लगा रहे हैं रोज तांडो चल रहा है, DBZD यांत्रिक, 20 से बाहर कुछ भी नहीं, मतलब कि कुछ भी नहीं। और 7 PM पे आपको लाइव आना है, 7 PM से ये चल रहा है, आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए जैसा कि आपने आज फिजिक्स का मैराथन देखा, जिसमें कंप्लीट फिजिक्स फॉर्मूला मैंने रिवीजन कराया आप लोग को, अगर उस तरीके का क्लास अगर चाहते हैं तो साइंस में भी मैं कर सकता हूं, जिसमें कंप्लीट आपको कराया दिया जाए एक क्लास में। अगर उस तरीके का आप क्लास चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। निम्न में से कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है वो आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं कौन देता है, कि निम्न में से कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है। चलिए मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए में दे रखा है बैगनी प्रकाश, बी में दे रखा है लाल प्रकाश, सी में हरा, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, कि इनमें से कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है, बैंगनी प्रकाश, लाल प्रकाश, हरा प्रकाश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा रंग जो है अधिकतम ऊर्जा रखता है, बैंगनी, लाल प्रकाश, या फिर हरा प्रकाश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मैं राइट आंसर देता हूँ, वो होता है बैंगनी प्रकाश, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देता है देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है प्रोड्यूसर गैस के रासायनिक सूत्र हैं, आपको बताना है प्रोड्यूसर गैस के रासायनिक सूत्र क्या हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है CO+H2, बी में दे रखा है CO+N2, ये H2 जो दे रखा है ना, ये H और 2 इस तरीके से दे रखा है, ओके। तो आप थोड़ा सा ये N2 इसी तरह से दे रखा है नीचे, और ये भी इसी में दे रखा है N2O2 और CO इस तरीके से, ओके। तो आपको ध्यान में रखना है, और N2O2 CO। चलिए और डी में दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं, प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र कौन बताता है, CO+H2CO+N2N2O2 CO। चलिए विच ऑप्शन इज करेक्ट, A, B, C, D। तो चलिए मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, तो इसका प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा भाई साहब, तो हो जाएगा आपका CO+N2, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात कर ले CO+H2 की, ये किस चीज़ का रासायनिक सूत्र है भाई साहब, तो ये रासायनिक सूत्र है आपका किस चीज़ का, तो ये है आपका वाटर गैस, नोट करिए वाटर गैस का। और एक और है फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूँ, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, CA और आपका NO3 और आपका CNO3 2, ये है कैल्शियम नाइट्रेट लिख लीजिए, कैल्शियम नाइट्रेट का है फॉर्मूला, ओके।
एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री पे। एंड क्वेश्चन नंबर थ्री में हमारा क्या दे रखा है, अफीम के किस भाग में मॉर्फिन पाया जाता है, मॉर्फिन प्राप्त होता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन आपका दे रखा है फल आवरण, बी में दे रखा है टेरिडोफाइट, सी में दे रखा है यूकलिप्टिस और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो अफीम के किस भाग में मॉर्फिन प्राप्त होता है वो आपको बताना है, फल आवरण, टेरिडोफाइट, यूकलिप्टिस और एंड इनमें से कोई नहीं। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी एंड डी। चलिए सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं कौन देता है। तो मैं आपको बता दूं अफीम के किस भाग में मॉर्फिन प्राप्त होता है, तो होता है किसमें भाई साहब, तो होता है फल आवरण, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर टू पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर पे। और क्वेश्चन नंबर हाँ फोर में दे रखा है कि ल्यूमेन इकाई है वो आपको बताना है, ल्यूमेन किसकी इकाई है। ऑप्शन ए आपका दे रखा है ज्योति फ्लक्स की, बी तापमान जिसे टेम्परेचर, दी सी धारिता कैपेसिटेंस और डी एन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए ल्यूमेन किसकी इकाई है वो आपको बताना है, ज्योति फ्लक्स की है, तापमान की है, धारिता की है या फिर इनमें से कोई नहीं। एंड सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं कौन देता है, ल्यूमेन इकाई है, ज्योति फ्लक्स की, तापमान की, धारिता की या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, चलिए मैं ही बता दूँ, ल्यूमेन इकाई है। आपको पता होना चाहिए मैं क्लास के दौरान कमेंट बिल्कुल भी नहीं देखता, इसलिए नहीं देखता क्योंकि मुझे क्या होता है जब मैं कमेंट देखूंगा तो क्लास फिर लंबा हो जाएगा, जो क्लास 30 मिनट चलेगा वो क्लास फिर एक घंटे का हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ ना कुछ पूछते रहिएगा और मुझे बताना पड़ेगा। ओके तो ज़रूर जो आपका डाउट हो लास्ट में कॉमेंट सेक्शन में, लाइव वाले चैट में नहीं, लास्ट में आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पुट आउट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर क्लियर करूँगा। ओके तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ज्योति फ्लक्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप लोग लाइव चैट में आप लोग क्या करिए, आंसर देते रहिए कि फोर का ये होगा, वन का ये होगा, टू का ये होगा, इस तरीके से। ओके एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव पे, लास्ट में स्कोर जरूर बताया करिए। क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलेंगे, वाशिंग सोडा का सूत्र है, वाशिंग सोडा का सूत्र है Na2CO3, बी में देखा CaNO32, ये मैंने आपको बताया था ना, ये आपका किस चीज़ का सूत्र है, कैल्शियम नाइट्रेट का है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो चलिए दो और बच गया, CoN2 और ये इनमें से कोई नहीं। तो चलिए तीन ऑप्शन में से बताइए, ये तो आपका है गया कैल्शियम नाइट्रेट का, तो लिख लीजिए कैल्शियम नाइट्रेट, ऑलरेडी मैंने बता दिया था आपको। वाशिंग सोडा का जो सूत्र है वो कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, क्वेश्चन नंबर फाइव और फाइव का आंसर कौन देता है। तो जो कैल्शियम नाइट्रेट तो CaNO32 होगा, वाशिंग सोडा का सूत्र है वो हो जाएगा आपका Na2CO3, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके Na2CO3। चलेंगे क्वेश्चन नंबर अपने क्वेश्चन नंबर चलेंगे आपके सिक्स पे। एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमारा क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में दे रखा है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है वो आपको बताना है, कि प्राकृतिक जो नेचुरल गैस का है उसका मुख्य जो घटक है वो कौन सा है। ऑप्शन ए में दे रखा है ब्यूटेन, बी में दे रखा है एथेन, सी में दे रखा है मीथेन और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है ब्यूटेन, बी एथेन, सी मीथेन एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं, सबसे पहले कौन देता है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है, ब्यूटेन, एथेन, मीथेन एंड डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं राइट आंसर दे देता हूँ आपको, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होगा मीथेन, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्राकृतिक गैस का कौन सा मुख्य घटक है, तो वो मीथेन है आपका, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपके सेवन पे। एंड क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या दे रखा है, तो सेवन में आपका दे रखा है कि किसका प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कोस्ट गार्ड के एग्जाम में आया भी है, तो ज़रूर लगा लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में फिर से किसी ना किसी शिफ्ट में दिखाई दे कि जो आपका किसका प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में दे रखा है एथिलीन, सी में दे रखा है फार्मलिन और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं, सबसे पहले कौन देता है कि किसका प्रयोग हम फलों को पकाने में करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, एथिलीन, फार्मलिन, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी एंड डी, कार्बन डाइऑक्साइड, एथिलीन, फार्मलिन एंड डी में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मैं आपको बता दूं जो फलों को पकाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो क्या है, तो वो है भाई साहब आपका एथिलीन, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एथिलीन को यूज़ किया जाता है किस लिए, फलों को पकाने के लिए। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर एट पे। एंड क्वेश्चन नंबर एट में हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर एट में हमारा दे रखा है यहाँ पे कि जब एक चींटी या मच्छर काटता है तो कौन सा अम्ल स्रावित होता है वो आपको बताना है। जब एक चींटी या मच्छर काटता है तो कौन सा अम्ल स्रावित होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है नाइट्रिक एसिड, बी में दे रखा है सल्फ्यूरिक अम्ल और सी में दे रखा है फार्मिक अम्ल और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जब एक चींटी या मच्छर हमें काटता है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा अम्ल
वो स्रावित होता है। ऑप्शन ए दे रहता है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल एंड एन डी दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, ए बी सी एंड डी में सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। मेरे ख्याल से ये 90% बच्चों को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मेरे मतलब कि आपने शायद ध्यान नहीं दिया कभी इस पर। तो जब इसका आंसर राइट हो जाएगा वो हो जाएगा फार्मिक अम्ल, क्योंकि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम्स है वो कौन सा एंजाइम्स है दूध प्रोटीन को जो पचाता है। ओके, ऑप्शन ए में दे रखा है लैक्टेज, बी में दे रखा है हेलिकेज, सी में दे रखा है रेनिन एंड डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम है भाई साहब, वो आपको बताना है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है लैक्टेज, हेलिकेज, रेनिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं, सबसे पहले कौन देता है दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है कौन सा है, लैक्टेज है, हेलिकेज है, रेनिन है या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं आपको बता दूं दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम्स कौन सा है, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा वो हो जाएगा रेनिन, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेनिन जो है ये दूध प्रोटीन को पचाने का काम करता है, एंजाइम है। ओके, चलेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन पे, एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो किसने प्रतिपादित किया था वो आपको बताना है। चलिए राइट आंसर सबसे पहले कौन देता है, ऑप्शन ए में दे रखा है एडवर्ड जेनर, बी में दे रखा है डार्विन, सी में रोंडजॉन और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया किसने किया भाई साहब, विकास के सिद्धांत को सबसे मतलब कि प्रतिपादित किसने किया, एडवर्ड जेनर ने, डार्विन ने, रोंडजॉन ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मैं आपको राइट आंसर दे देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया वो है डार्विन, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कैसा लगा सेशन आपको जरूर बताइएगा, एंड लास्ट में बता दीजिए कि 10 में से कितने सही हुए, 9 हुए हैं, ठीक ठाक तैयारी है, 10 में है तो टॉप क्लास की तैयारी है बिल्कुल भी, जितना कराया जा रहा करते रहिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, सो वहाँ पे ज़रूर ऐड हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग या फिर अदर क्वेरी हो कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग, कॉमेंट सेक्शन में आप कॉमेंट में पुट कर लीजिएगा क्वेश्चन, या फिर आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर तक दे रखा है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोस्ट गार्ड मतलब परमजीत क्लासेस आप लोग ने जाना, और इसे अगर जो शुरू से जुड़ा हुआ 100% सिलेक्शन लेना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों चलेंगे, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और किस टॉपिक पर आपको कमजोरी है मतलब किस टॉपिक पर आपको समझ में नहीं आ रहा वो ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, मैं आपको ज़रूर उस पर हेल्प करूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।